हेलो फ्रेंड, आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। हमने इस स्टॉक को 500 रुपये के आसपास भी प्रीफर किया था और टारगेट दिया था 700 के आसपास, लेकिन ये स्टॉक उससे भी कहीं ऊपर तक परफॉर्मेंस करता है। लेकिन अब जा करके मुझे लगता है कि 700 रुपये के ऊपर ही धीरे धीरे स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कहाँ पर आपको बाइंग करना चाहिए, क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस आपको रखने चाहिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखिएगा आपके सामने यहाँ पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया है, यह डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट। यहाँ पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए दिखा रही है। हमने स्टॉक को 500 के आसपास दिया था, उसका 700 टारगेट था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं 720 के भी ऊपर स्टॉक निकल चुका है। ये देखिएगा 720 रुपये के ऊपर स्टॉक जाता है, कहाँ तक की तेजी आती है, लगभग 780 के आसपास फिर से गिरावट देखने को मिलती है, 740 तक फिर स्टॉक ने तेजी की, लगभग 790 के आसपास स्टॉक जाता है, फिर से गिरावट आती है 720 रुपये तक की। यहाँ से स्टॉक फिर से तेजी करते हुए ऊपर की तरफ चल रहा है। फिलहाल हम देख रहे हैं 780 के आसपास स्टॉक पहुँच चुका है। यदि यहाँ से तेजी कंटिन्यू रहती है, डेफिनेटली स्टॉक 792 तक जाएगा। और यदि 792 पर ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर आप देखिएगा 792 के ऊपर ब्रेकआउट करके स्टॉक 800 प्लस अगर निकलता है, तो ये स्टॉक बहुत जल्दी देखते ही देखते 850-900 की रेंज में जाने वाला है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यदि आप इस ब्रेकआउट को प्ले करते हैं, सपोज यहाँ पर ब्रेकआउट होता है और 800 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है, तो उस केस में नीचे की तरफ आपको 780 रुपये का स्टॉप लॉस रख करके एंट्री करना चाहिए और ऊपर की तरफ जो टारगेट है वो 850-900 के बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे।